नमस्कार, मैं शबीना शेख सिद्दीकी। हमारे कार्यक्रम धर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देव उठनी ग्यारस की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी के नामों से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। कार्तिक मास की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु जागते हैं। इनके जागने के बाद से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस बार देव उठनी ग्यारस 25 नवंबर को है। देव प्रबोधिनी एकादशी के धार्मिक महत्व को लेकर देश भर में पारंपरिक उल्लास का माहौल रहता है। पर्वराज दीपोत्सव के बाद यह अंतिम त्यौहार के रूप में भी विख्यात है। इस त्यौहार के बाद जनवरी माह में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। किंवदंती है कि एक बार भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, अब आप दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय का आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवों और ख़ासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूँगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती है। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह के समय स्त्रियां गीत तथा भजन गाती हैं। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल की नवमी ठीक तिथि है। नवमी, दशमी एवं एकादशी को व्रत एवं पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को देना शुभ होता है। लेकिन लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की यही पद्धति बहुत प्रचलित है। पौराणिक कथा के मुताबिक ऋषियों के आग्रह पर सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व बताया और बोले कि पृथ्वी पर गंगा की महत्ता, समुद्रों और तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोक में न मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह धन और संतानहीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग को जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है,
वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञादि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। एकादशी के व्रत की विधि कैसा व्रत करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान कर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा। भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत, गायन आदि करना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एकादशी पर तुलसी रोपण का महत्व भी बताया गया है। तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदंब के पुष्पों से श्री हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। एकादशी पर मनुष्य भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उन्हें शैया दान करना चाहिए। तो आज हमने बात की देव उठनी ग्यारस की। अपने धर्म कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।